हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन, स्वागत करता हूं आपका कैरवेल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपका 10th स्टैंडर्ड के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें दिया रहेगा हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जो जाने पे हमारे जो फॉर्मूला बनता है और जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि माध्यम एक हमारा वायु है, एयर है, दूसरा माध्यम हमारा जल है, वाटर है, ठीक है, तथा तीसरा माध्यम हमारा कांच यानी ग्लास है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम एयर से जब वाटर में जाएंगे यानी हमारा AnW, ठीक है, उसके बाद हमारा जब हम जल से कांच में जाएंगे यानी वाटर से ग्लास में जब जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल समझा रहे हैं जल वाटर तो W, कांच में जा रहे हैं तो ग्लास यानी G। ठीक है, उसके बाद हम फिर तीसरे से एक में आएंगे यानी कांच से फिर वायु में आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा GNA इक्वल टू में यहाँ पे 1 चलेगा हमारा। ठीक है, अब हमको किस फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है, तो हमको WNG के फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है, यानी हमारा किसके सापेक्ष निकालना है, जल और कांच के सापेक्ष। ओके, तो WNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/AnW इंटू GNA। ठीक है, अब हमारा AnG को किसके बराबर होता होता है, 1/GNA के। ठीक है, तो जो GNA वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा AnG के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WNG इक्वल टू AnG/AnW। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जिससे कि रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। तो जान लेते हैं यहाँ पे कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। अब वायु के सापेक्ष कांच का यानी एयर के सापेक्ष किसका बोल रहा है, ग्लास का, क्या हो जाएगा AnG कितना दे रखा है हमारा, 3/2। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला मेरा, वायु के सापेक्ष जल का यानी एयर के सापेक्ष किसका पूछ रहा है हमारा, वाटर का। ठीक है, एयर के सापेक्ष वाटर का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एयर के सापेक्ष वाटर का यानी AnW इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3। अभी हमने कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, WNG इक्वल टू AnG/AnW, ये फॉर्मूला था जो अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व करा था। तो इस फॉर्मूले से हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस जो वैल्यू दे रखी है वो आपको यहाँ पे पुट अप करनी है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, AnG की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2। ओके, AnW की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना ये आ जाएगा हमारा, 3 × 3/4 × 2 यानी 9/8। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, WNG इक्वल टू 9/8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो है ना ये आसान, तो इसी तरह आपको आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे, काफ़ी छोटे रहेंगे, बस आपको ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष किसकी बात कर रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं W के बारे में कि W क्या कहना चाहता है, A क्या कहना चाहता है। तो आई होप आपको अब ये वीडियो समझ आ गई हो, फिर भी अगर आपको